महंगाई तो आप जानते ही हैं कि देश में जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, सरसों का तेल 210-215 रुपये प्रति लीटर आसानी से मिल जाता है। पहले कहाँ वो धक्के खाते फिरते थे 70-60 रुपये 80 रुपये प्रति लीटर के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, और आप फिर भी वही बात कहते हैं कि देश पीछे जा रहा है, देश आगे नहीं बढ़ा। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों कल जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो तालिबान को भारत सरकार द्वारा मान्यता और महंगाई के मुद्दे को लेकर था दोस्तों, लेकिन उस वीडियो को कल मैं किसी कारण से अपलोड नहीं कर सका था और आज उसको इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अंत में देखने को मिलेगी। उससे पहले आज के मुद्दे पर बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप इस शख्स को तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे हरियाणा के करनाल जिले के एसडीएम साहब आयु सिन्हा, जिन्होंने पिछले दिनों किसानों के ऊपर हुए अत्याचार लाठीचार्ज को लेकर पुलिस को आदेश दिए थे और यहाँ तक कहा था कि जो भी आगे आए उसका सिर फोड़ दो। लेकिन दोस्तों इनके इस बयान के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो हर तरफ से इनको बर्खास्त करने की मांग उठने लगी, किसान नेताओं द्वारा, किसानों द्वारा और दोस्तों सियासी पार्टियों के द्वारा भी इसको लेकर खूब निंदा की गई। यहाँ तक दोस्तों की भाजपा शासित मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खट्टर सरकार और इस एसडीएम के रवैये को लेकर खूब निंदा की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हाथ जरूर होगा, तभी एसडीएम ने ये इस तरह के आदेश दिए। तो फिर दोस्तों खबर आती है कि उस एसडीएम साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो बहुत ही ट्विस्टेड है। एक खबर के अनुसार पता चला है दोस्तों कि उस एसडीएम साहब को प्रमोशन दे दिया गया है। पहले दोस्तों मैं आपको पूरी खबर पढ़कर सुना देता हूँ, क्या है पूरी खबर, किस पद पर उनको नियुक्त किया गया है, क्या उनकी प्रमोशन हुई है। पहले वो खबर पढ़ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ललन टॉप ने लिखा है कि हरियाणा सरकार ने 19 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिनमें करनाल के एसडीएम आयु सिन्हा भी हैं। और दोस्तों ललन टॉप के अनुसार सरकारी आदेश में कहा गया है कि आयु सिन्हा अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी क्रिड के अतिरिक्त सचिव होंगे। आदेश में कहा गया है कि उन्हें खाली पद पर ट्रांसफर किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार पहचान पत्र हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे क्रीड तैयार करती है और क्रीड के एडिशनल सेक्रेटरी का पद खाली था, उसी पोस्ट पर आयु सिन्हा को प्रमोशन दी गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस प्रकार से एक विवादित बयान देने वाले ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया जाता है। ये सब उसी बयान की एवज में ही दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उस दिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कोई प्रोग्राम था करनाल में, हो सकता है उन्हीं के आदेश पर ये घटना घटी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों अब उनकी प्रमोशन से ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आदेश ना हो फिर भाजपा के किसी बड़े नेता या मंत्री के आदेश जरूर रहे होंगे इस तरह का कृत्य करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो कल वाला वीडियो साथ लगाया है उसको भी पूरा देखें। ठोकर चाटने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन दोस्तों अब वो कहावत सच साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जिस तालिबान को गोदी मीडिया और तथा कथित आईटी सेल के गुंडे आतंकवादी कहते थे और उसके बहाने मुसलमानों पर निशाना साधते थे, उस तालिबान को अब भारत सरकार यानी आईटी सेल और गोदी मीडिया के अब्बा ने मान्यता दे दी। और ना केवल मान्यता दी बल्कि जो आतंकवादी का टैग तालिबान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा लगाया गया था उसे भी हटाने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों ये फैसला भारत सहित 13 देशों ने लिया है, जिसमें चीन और रूस को छोड़कर जिनके पास वीटो पावर है उन दो देशों ने ना तो तालिबान के पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में वोट किया है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने मान्यता दे दी, तो अब दोस्तों ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि गोदी मीडिया और तथाकथित आईटी सेल के गुंडे भारत सरकार के इस फैसले को किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं और किस प्रकार से इसको मास्टर स्ट्रोक साबित करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब तक गोदी मीडिया और आईटी सेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तालिबान से मुसलमानों को जोड़कर आतंकवादी साबित करने में, लेकिन दोस्तों अब ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों हो सकता है कि मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को राष्ट्रहित जैसी बताकर तालिबान को लेकर तारीफें भी की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया और आईटी सेल ने इस पूरे मामले को लेकर इस तरह की धारणा एक समाज के अंदर उत्पन्न कर दी थी ताकि जो आने वाले यूपी के चुनाव है उसमें भाजपा को भरपूर सपोर्ट मिल सके और बहुसंख्यक आबादी है उसको ये दिखता रहे।
कि वाकई मुसलमान खतरनाक है, मुसलमान आतंकवादी हैं, इस तरह से ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था। और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर ये है कि लोग अपने पास से खुद ही बातें बनाते हैं कि भारत आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप दोस्तों अगर इसे गोदी मीडिया के चश्मे से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि भारत किस प्रकार से किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या दोस्तों आपको पता है बुधवार के दिन देश किस प्रकार से आगे बढ़ा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं, आज जो आपके घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उसमें गैस डलती है और वो गैस होती है LPG, और उसकी कीमत में आज मात्र 25 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और आप कहते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है हमारे प्रधान सेवक ने। आप लोग वैसे ही बदनाम करते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे, प्रधान सेवक कुछ नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो विकास कई दिनों से रुका हुआ पड़ा था उसको किस प्रकार से LPG गैस ने आगे बढ़ाने में मदद की है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों पहले उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीबों को 3-3 सिलेंडर फ्री दिए गए थे, मुफ्त दिए गए थे, ताकि देश आगे बढ़ता रहे। वो बात अलग है कि आज उन जिन लोगों को सिलेंडर दिए गए थे उनकी औकात या उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो दोबारा सिलेंडर भरवा सकें। अब वो लकड़ियों पर खाना बनाने की भी औकात नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों महंगाई तो आप जानते ही हैं कि देश में जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, सरसों का तेल 210-215 रुपये प्रति लीटर आसानी से मिल जाता है। पहले कहाँ वो धक्के खाते फिरते थे 70-60 रुपये 80 रुपये प्रति लीटर के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और आप फिर भी वही बात कहते हैं कि देश पीछे जा रहा है, देश आगे नहीं बढ़ रहा। अब दोस्तों गैस वाले मुद्दे को लेकर विपक्ष पता नहीं क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि विपक्ष भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। विपक्ष के एक नेता है राहुल गांधी, जो हर किसी मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। हमारे प्रधान सेवक को देख लो, 7-8 साल हो गए मजाल है किसी पत्रकार के सामने पेश हुए हों या किसी को नज़र आए हों पत्रकार के सामने, बस दूर से ही फोटो क्लिक करा लेते हैं और बस चल जाता है काम। ऐसा होना चाहिए प्रधान सेवक, ऐसा नहीं कि हर रोज़ हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए, ये तो विपक्षी लोगों का काम है दोस्तों, ये प्रधान सेवक का काम नहीं है। दोस्तों आपने वीडियो देख ली, कमेंट बॉक्स में इन बातों को लेकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर तो आप करते ही नहीं, किया करो जरूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, वो जो साइड में नीचे लाल कलर का बटन नज़र आ रहा है उसे इतना ज़ोर से दबाओ कि वो काला पड़ जाए। धन्यवाद।